हेलो एवरीवन, सीए जय चावला दिस साइड। आई होप अब आपकी पढ़ाई वापस से ट्रैक पे आ चुकी होगी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन द इनिशियल डेज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रही थी कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, घर पे बाकी सब लोग भी रहते हैं और वगैरह। बट अब वो मैनेज हो गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप कितने दिन आप फ्री रहोगे। ऑब्वियसली सीए का स्टूडेंट पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दिन तक फ्री नहीं रह सकता, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। सो मैं इस चीज़ की आशा करता हूँ और मान के चल रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई अब वापस से ट्रैक पे आ गई होगी। और ट्रैक पे क्यों ना आए, अब ज़रूरी भी है। अब आपको इंस्टीट्यूट ने और पोस्टपोन कर लिया आपके एग्जाम्स, और आपको मौका दिया जा रहा है कि भाई अटेम्प्ट हम खिसका रहे हैं, अगस्त में डाल रहे हैं, पास हो जा अब तो। सो गाइज, कई सारे बच्चे मुझे, इंटर के बच्चे, फाइनल के बच्चे, कई सारे बच्चे जब मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछते हैं तो उससे भी समझ में आता है कि यस, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, तभी मुझसे डाउट्स पूछे जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं मानोगे, डेली बेसिस पर मुझसे कम से कम एवरेज, कभी ज़्यादा भी होता है कभी कम भी होता है, बट ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे मुझसे 60 नंबर ऑफ मैसेजेस मुझे आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। यस, 60 नंबर ऑफ मैसेजेस आते हैं जिसमें से 45 से 50 मैसेजेस रेलेवेंट होते हैं डाउट्स के रिस्पेक्ट्स में, चाहे वो इंटर के डाउट्स हो, चाहे वो सीए इंटर के डाउट्स हो, चाहे वो सीए फाइनल के डाउट्स हो। अब आप सोचोगे सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो। ऑब्वियसली इमेज अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ, और यूं कहें कि ऑन स्टूडेंट डिमांड बेसिकली। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत टाइम से रिकमेंड करते थे कि सर आप लाइव बहुत कम आते हो, लाइव आया करो, हमसे बात करा करो, हमारे कुछ सवालों के जवाब दिया करो वगैरह वगैरह। सो फाइनली वी स्मार्ट एंड मी हैज़ डिसाइडेड कि क्यों ना आपसे लाइव इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, सीए फाइनल वालों के साथ अलग से और सीए इंटर वालों के साथ अलग से। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये लाइव इंटरेक्शन का आइडिया क्या है। गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डेली बेसिस पर एवरेज 60 नंबर ऑफ मैसेजेस रिसीव करता हूं बच्चों से इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डाउट्स और उनके क्वेश्चंस वगैरह, कुछ भी, चाहे वो इंटर के बच्चे हों चाहे वो फाइनल के बच्चे हों। कई बार ऐसा, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं जो लगता है यार ये तो बहुत अच्छा डाउट पूछा और ये डाउट मुझे सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, चाहे बच्चों ने मेरी क्लासेस ली हैं चाहे बच्चों ने मेरी क्लासेस नहीं ली हैं। और कई बार ऐसा होता है जो बहुत ही कॉमन डाउट्स होते हैं, बहुत ही कॉमन डाउट्स होते हैं, तो मैं भी उनके बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे रिप्लाई करके थक जाता हूं। तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि यार ऐसा क्या किया जाए कि आपके साथ इंटरेक्शन भी हो जाए और वो रिपीटेटिव नेचर के डाउट्स या फिर जो अच्छे लेवल के डाउट्स होते हैं वो सबको शेयर किए जाएं। सो आई आस्क्ड माय टीम, मैंने विशाल सर से बात की, तो मुझे फाइनली ये समझ में आया कि यार क्यों ना अभी लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए और लॉकडाउन को देखकर इस चीज को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू किया जाए, क्या इस चीज को कंटिन्यू किया जाए। सो गाइस, गुड न्यूज अब ये है कि नाउ आई हैव डिसाइडेड कि सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए मैं मंडे हर वीक में मंडे को लाइव आया करूंगा। यस, हर वीक में, एवरी वीक मंडे को मैं सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए लाइव आया करूंगा, और थर्सडे को सीए इंटर के बच्चों के लिए मैं लाइव आया करूंगा आधे से पौन घंटे के सेशन के लिए, मतलब फॉर 30 to 40 minutes का एक लाइव सेशन मैं आपके साथ लूंगा। उस लाइव सेशन में क्या चीजें रहेंगी, किस तरीके से रहेंगी, मैं आपको बता दूं। ड्यूरिंग द वीक जितने भी मुझे बच्चे लोग व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजते हैं, अगर मुझे कोई ऐसा डाउट लगा कि यार ये कॉमन डाउट है, ऐसे डाउट्स बच्चे रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं तो इसका मुझे कॉमन रिप्लाई कर देना चाहिए, तो वो डाउट
के रिप्लाईज मैं आपके साथ लाइव आके डिस्कस करूंगा कि बेटा ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये वाले पर्टिकुलर इस क्वेश्चंस में ना इस टाइप का बच्चों को डाउट होता है, तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर लेता हूं। और कुछ ऐसे डाउट्स जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, कभी कभार मुझे भी लगता है यार वाह यार बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है, तो फिर मुझे लगता है कि वो मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन कुछ इस तरीके से होगा कि लगभग 30 से 40 मिनट्स का सेशन होगा, हफ्ते में एक बार फॉर फाइनल मंडे को और हफ्ते में एक बार फॉर इंटरमीडिएट थर्सडे को। चाहे अब इंटरमीडिएट में मतलब अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स, और मंडे को सीए फाइनल एफआर। अब 30 से 40 मिनट को यूटिलाइज कैसे करेंगे अपन? जो भी मुझे मेरे पास क्वेश्चंस होंगे डाउट्स वाले, स्टडी रिलेटेड डाउट्स होंगे, स्टडी रिलेटेड डाउट्स जो भी मेरे पास होंगे, लाइक मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस हैं स्टडी रिलेटेड डाउट्स जो मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों ने पिछले हफ्ते भेजे थे, जिनको मैंने पर्सनली तो रिप्लाई कर लिया था, बट मुझे लगा कि वो आपके साथ सबके साथ शेयर करना है। तो वो 5 डाउट्स सबसे पहले मैं आपके साथ उस लाइव सेशन में लूंगा। हो सकता है उसके लिए मुझे 20 मिनट लग जाए, हो सकता है उसके लिए मुझे 15 मिनट लगे। जैसा भी रहा, समय को देखकर मैं नंबर ऑफ डाउट्स सिलेक्ट करूंगा हर हफ्ते। हो सकता है किसी का डाउट सेकंड लाइव सेशन में आए या थर्ड लाइव सेशन में आए, बट आएगा जरूर। बाकी का जो रिमेनिंग टाइम बच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 मिनट्स का एक सेशन किया, उसमें से 20 मिनट्स मैंने आपके साथ डाउट्स, आपके जो कॉमन डाउट्स होते हैं, आपका जो स्टडी रिलेटेड डाउट्स जो होते हैं, जो अच्छे लेवल के डाउट्स होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी के 10-15 मिनट्स आपके साथ फ्रीली मैं बात करूंगा। आपको अगर उस वक्त कोई भी अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपको अगर मुझसे पूछना है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है या कुछ भी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो फॉर 10-15 मिनट्स। बट ये सेशन, क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे रखना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाऊं, तो इसीलिए ये सेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का रखा करूंगा। राइट, इसके लिए मुझे आपसे क्या हेल्प चाहिए? इसके लिए मुझे आपसे हेल्प चाहिए कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट्स आए कि आपको अगर कोई ऐसे डाउट आते हैं कि सर वो आप प्लीज यूट्यूब पे आके हमसे डिस्कस करिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए वो आप अपना डाउट। डाउट व्हाट्सएप करने के लिए क्वेश्चन का इमेज, क्वेश्चन का सॉल्यूशन का इमेज, मतलब क्वेश्चन का इमेज और सॉल्यूशन का इमेज, और अपना एक वॉइस क्लिप अगर हो सके तो, और अगर वॉइस क्लिप नहीं हो सकता तो आप अपना डाउट लिख के भेज सकते हो। इससे क्या होगा, मेरे लिए आसानी होगी रिकॉर्ड रख पाना कि हाँ यार ये डाउट है, मैं इसको आने वाले लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आप अगर ऐसा चाहते हो कि मंडे को फाइनल वाले, अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं आपके साथ डाउट्स आपके शेयर करूं, आपके कॉमन डाउट्स, आपके अच्छे डाउट्स शेयर करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थर्सडे को सीए इंटर वाले बच्चे अगर चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर आप कितने बजे लाइव आया करोगे? इसका एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूंगा, इसका एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। यूं समझो कि एक जो भी टाइम होगा, शाम का जो टाइम होगा या जो भी जैसा भी टाइम होगा, उस शाम को टाइम को हमेशा उसी टाइम पर, हमेशा सेम टाइम पर कोशिश रहेगी मेरी कि सेम टाइम पर मैं आपके साथ इंटरेक्ट हूं, ताकि आपको भी पता लगे कि यार थर्सडे को सर इतने बजे, मंडे को सर इतने बजे आने वाले हैं। इससे मुझे क्या बेनिफिट दिख रहा है, स्पेशली आप लोगों के लिए मुझे दो बेनिफिट दिख रहे हैं। पहला, जो डाउट्स मुझे बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने पर्सनली भेजे हैं, उसको तो मैंने सेम टाइम पे हो सकता है क्लियर कर लिया हो, बट वो डाउट कॉमन बेसिस पर जब मैंने आपको क्लियर किया, तो आप मुझे अगली बार मैसेज नहीं भेजोगे और आपको आपका आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा। हो सकता है आगे चल के वो आपको डाउट आए तो आप वो पहले से ही आपका क्लियर हो जाए। मुझे, मेरे लिए बेनिफिट ये है कि मुझे भी बच्चों के कम मैसेजेस आएंगे अगर वो कॉमन डाउट्स में डील करते जाऊंगा तो। दूसरा बेनिफिट मुझे ये दिख रहा है आपके लिए कि आपको अगर ऑन द स्पॉट अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, लाइव कुछ पूछना है, तो आप अपने सवाल मुझसे वहां पूछ सकते हो, तो हो सकता है आपके वहीं पर डाउट्स कुछ निकल आए और आपको वहीं पर आंसर दिया जाए। सो आई थिंक, मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। अगर आपको भी लगता है कि ये आपके साथ इंटरेक्ट होने का अच्छा आइडिया है, वो भी सिर्फ आधे से पौन घंटे, देखिए करने के लिए मैं दो दो घंटे भी कर सकता हूं, बट मैं भी जानता हूं कि एग्जाम्स
के लिए आपके खुद का एक शेड्यूल आपने बना के रखा होगा कि मुझे सुबह 3 से 4 घंटे कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, फिर मुझे कितने बजे सोना है, फिर से मुझे कितने बजे पढ़ाई करनी है। तो ये सब के लिए क्या होता है, पूरा आपका शेड्यूल आपका डेफिनेटली बना हुआ होगा। बेटर देखो सीधी बात है, जिसकी जिसको एग्जाम अच्छे से देने हैं, जिसको पास होना है, उसने अपना शेड्यूल ऑलरेडी बना लिया होगा। और मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं आपका शेड्यूल बिगाड़ू। तो डेली आना पॉसिबल इसलिए नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि मैं डेली आऊंगा तो आपका डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। कभी आपको लगेगा यार मैं आज अटेंड कर लेता हूं, कभी लगेगा अटेंड नहीं करता हूं, तो थोड़ा सा माइंड में ऐसा रहेगा। वीक में एक बार रहेगा तो आप उस चीज का एक वेट करोगे, और आधे से पौन घंटे का रहेगा तो कम से कम आपको लगेगा कि चलो ठीक है यार, आधे घंटे का आधा घंटा तो हम कहीं से भी निकाल लेंगे, राइट। सो मुझे पर्सनली ये लगा कि ये चीज बहुत अच्छी है आप सभी बच्चों के लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा नीचे कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। हाँ, अगर आपको डाउट्स पूछने हैं, अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग लाइव सेशन में आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाह रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझसे वो डाउट, आप मुझे वो डाउट अपना लिख के भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप चाहते हो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर कौन सा है तो मैं आपको बता देता हूं। सी दिस, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। तो मैं इंतजार करूंगा आपके डाउट्स का, सो दैट हो सकता है वो डाउट्स आपका मुझे अच्छा लगे, या फिर अगर मुझे कॉमन डाउट लगेगा। मैं सारे डाउट्स लाइव सेशन में आके डिस्कस नहीं करूंगा, सारे डाउट्स नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये यस ये डाउट अच्छा डाउट है, बच्चों को सबको बताना जरूरी है, या ये यस ये बहुत कॉमन डाउट है, ये बच्चों को आ रहा है। और इसके अलावा मुझे भी पता रहता है कि यार बच्चे को ये डाउट आ सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये वाला डाउट आ सकता है। तो ये एक शुरुआत है गाइस, ठीक है। मैंने पहले ऐसे कभी कुछ नहीं किया लाइव आके, इतना फ्रीक्वेंटली मैं पहले कभी लाइव आया नहीं हूं। आई थिंक हो सकता है 1 से 2 सेशन में मुझे समझ में आ जाए कि मुझे आपके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। हो सकता है आगे के सेशंस में हम कुछ और इंप्रूवमेंट्स इसमें डालें, राइट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बना के इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि आप अगर मेरे साथ इंटरेक्ट होना चाह रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स भेज दो। हो सकता है आने वाले 1-2 सेशंस में मुझे समझ में आ जाए कि मुझे किस तरीके से इंटरेक्ट करना है उसमें, और क्या इनपुट्स डालने हैं उसमें, कुछ रिविजन्स भी डालने हैं क्या। ऐसा अगर मुझे ऐसा कुछ लगा कि यार उसमें आधे घंटे के सेशन में मुझे, मान लो मुझे लगता है यार 5 मिनट का ना रिवीजन डाल देंगे, 5 मिनट का क्विक रिवीजन कोई भी एक छोटी सी कोई भी छोटे से टॉपिक का, फॉर एग्जांपल कोई एएस का, कोई इंड एएस का, ऐसे करके कोई भी छोटी सी चीज का एक रिवीजन डाल दिया। मतलब मैं अभी भी इस पे सोच रहा हूं कि इसको किस तरीके से और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए, बट उसके लिए मुझे लगता है कि 1 से 2 सेशन मुझे लगेंगे इनिशियली, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपकी और मेरी ट्यूनिंग कैसी बैठ रही है, राइट। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, आपके काम की इन्फॉर्मेशन होगी। सो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप फाइनल के हो तो अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करो, इंटर वालों के साथ, इंटर वाले हो तो अपने सीनियर्स के साथ शेयर करो, राइट। तो ताकि सभी बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। हाँ, बहुत ही जल्द लाइव सेशन जब भी होगा, जैसे मंडे की बात करें और थर्सडे की बात करें, तो एक दिन पहले वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लाइव सेशन कितने बजे होने वाला है और किस किस टॉपिक पे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई थिंक शायद इनिशियल 1-2 सेशन के जो भी टाइम डिसाइड होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि हर हफ्ते इस डेट पर, हर हफ्ते इस टाइम पर आपके सेशंस होंगे, राइट। सो चलिए गाइस, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, और आई होप आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से करेंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ मुझसे और पूछना हो, और अगर आपको कुछ अपना फीडबैक देना हो, आपको अगर कुछ अपना इसमें इनपुट देना हो कि सर आप लाइव सेशन में क्या कर सकते हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा आइडिया है और इसमें मुझे और क्या इनपुट डालने चाहिए। बट येस, डेफिनेटली लाइव सेशन जो रहेगा वो आधे घंटे से 40 मिनट्स तक रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई पर, आपके शेड्यूल पर ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, जय माता दी।